बरेली के जनता को क्या संदेश देना चाहेंगे आप? बरेली की जनता ने बहुत अच्छा निर्णय किया है। चुनाव में जगह जगह गए, लोगों की समस्याएं सुनी, उसके आधार पर क्या प्राथमिकता आपकी रहेंगी बरेली के लिए? बरेली की बात करें तो बरेली का इंफ्रास्ट्रक्चर में बड़ा डेवलपमेंट हुआ है, बरेली स्मार्ट सिटी के अंतर्गत भी है और यहाँ पर एयरपोर्ट भी बना है, सड़कें भी अच्छी हो गई हैं, खासकर ओवरब्रिज भी बने हैं। जैसे कुतुखाने की एक बड़ी प्रॉब्लम थी, दो शहर थे आपस में लिंक की प्रॉब्लम थी, लेकिन बहुत सुविधा हो गई है। तो क्या कोई कमी देखते हैं बरेली के विकास में? ऐसा कुछ हो जाए कि बरेली का विकास, वो कमी आप अपने अंदर महसूस करते हैं? मैं देख रहे हैं आवाज़ इंडिया और मैं इस समय बरेली में हूँ। मेरे साथ हैं 18वीं लोकसभा के नव निर्वाचित बरेली के सांसद छतपाल गंगवार जी। आप तो बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद, आपके चैनल का बहुत बहुत शुक्रिया। बरेली के जनता को क्या संदेश देना चाहेंगे आप? बरेली की जनता ने बहुत अच्छा निर्णय किया है और उनके एक अच्छे निर्णय के लिए मैं उन्हें बधाई देता हूँ, सबको धन्यवाद देता हूँ, आभार प्रकट करता हूँ। मोदी जी को और योगी जी को उन्होंने पुनः प्रतिष्ठित किया है और तीसरी बार देश का प्रधानमंत्री बनाने में अपनी भूमिका निभाई है, उसके लिए मैं बरेली लोकसभा की जनता को, कार्यकर्ताओं को, पार्टी के नेतृत्व को, सबको बहुत बहुत हृदय की गहराइयों से धन्यवाद देता हूँ। मैं नेशनल इशू की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं लोकल की ही बात कर रहा हूँ। बरेली में आप चुनाव में जगह जगह गए, लोगों की समस्याएं सुनी, उसके आधार पर क्या प्राथमिकता आपकी रहेंगी बरेली के लिए? बरेली का सर्वांगीण विकास हो, उसके लिए मेरा प्रयास होगा। हमारी सरकार की भी प्राथमिकता में है, सरकार ने बरेली को शहर को, नगर निगम को स्मार्ट सिटी के रूप में विकसित करने का संकल्प लिया हुआ है, उसके लिए काम जारी है और बाकी लोकसभा में 3 ग्रामीण विधानसभाएं भी लगती हैं, वहाँ पर मेरा कार्यकर्ताओं के बीच में जाना आना हो रहा है और कार्यकर्ताओं के साथ में सम्मेलन में ये विषय मैंने रखा है कि आप लोग क्या चाहते हैं और बरेली पहेड़ी के लिए, बरेली के लिए क्या क्या अपेक्षाएं हैं, मेरी उनसे वार्तालाप चल रही। मैं कल मीरगंज विधानसभा में होकर आया हूं, 500-700 कार्यकर्ताओं के बीच में मैंने अपनी बात रखी है और अगली बार कुछ थोड़े छोटे रूप में बैठेंगे कार्यकर्ताओं के साथ, फिर और विषय निष्कर्ष के रूप में निकल के आएगा। कल मेरा नवाबगंज विधानसभा में जाना होगा, परसों भोजीपुरा विधानसभा में जाना है और वहाँ के ग्रामीण अंचल में, ग्रामीण क्षेत्र में क्या उनकी अपेक्षाएं हैं, उनके संबंध में भी उनसे वार्तालाप होगा और उसके बाद मैं अपनी प्राथमिकताएं सुनिश्चित करूंगा। गांव में गांव की सड़कें, गांव के रास्ते, गांव के विकास से संबंधित बिजली की व्यवस्था, सिंचाई की सुविधा, किसानों की समस्याओं से संबंधित बहुत सारी बातें और किसान को उसकी उपज का, उसकी फसल का और क्या क्या विकास उचित मूल्य मिलकर उसको और क्या कहाँ तक पहुंचाया जा सकता है, इस संबंध में वार्तालाप होगा। बरेली की बात करें तो बरेली का इंफ्रास्ट्रक्चर में बड़ा डेवलपमेंट हुआ है, बरेली स्मार्ट सिटी के अंतर्गत भी है और यहाँ पर एयरपोर्ट भी बना है, सड़कें भी अच्छी हो गई हैं, खासकर ओवरब्रिज भी बने हैं। जैसे कुतुखाने की एक बड़ी प्रॉब्लम थी, दो शहर थे आपस में लिंक की प्रॉब्लम थी, लेकिन बहुत सुविधा हो गई है। तो क्या कोई कमी देखते हैं बरेली के विकास में? ऐसा कुछ हो जाए कि बरेली का विकास, वो कमी आप अपने अंदर महसूस करते हैं? मैंने जो महसूस किया है, एक तो बरेली चिकित्सा हब बन गया है और बड़े बड़े नर्सिंग होम, नर्सिंग कॉलेज, जब चिकित्सा क्षेत्र में बड़ा एक ऐसा लगता है कि यहाँ पर बरेली और अड़ोस पड़ोस का इलाका जैसे बीमार जैसा है, क्या हो गया है सब ऐसा। डॉक्टर्स के लिए तो ये अच्छी बात हो सकती है कि हाँ बहुत बढ़िया हमारा बिजनेस कारोबार चल रहा है, पर लगता है आम जनता के लिए तो ये कोई अच्छी स्थिति नहीं मानी जाती। फिर भी मेरी प्राथमिकता रहेगी कि बरेली चिकित्सा हब है,
तो यहाँ पर 300 बेड का एक अस्पताल बना हुआ है मानसिक चिकित्सालय का, पड़ोस में उसी के भवन था पुराना उसमें, और उसका और सदुपयोग हो तो मैं चाहूँगा, मेरी प्राथमिकता रहेगी उसको 300 बेड का उस अस्पताल का मेडिकल कॉलेज के रूप में इस्तेमाल हो, उसमें अभी बहुत जगह पड़ी है। और मेरा बरेली तो खासा बड़ा शहर है और यहाँ पे पीलीभीत, आपका रामपुर, मुरादाबाद और ये आसपास शहर है, आप महसूस नहीं करते कि यहाँ पे एम्स होना चाहिए? क्योंकि लखनऊ और कहते हैं दिल्ली और फिर देहरादून, बीच में क्या बरेली एम्स में होना चाहिए? एम्स की आवश्यकता कभी होगी तो देखी जाएगी। वैसे यहाँ पर किशा में बन रहा है, यहाँ से 35 किलोमीटर 40 किलोमीटर की दूरी पर एम्स बन रहा है, तो अनावश्यक मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि नहीं बेकार चीज़ है, परंतु संसाधन का दुरुपयोग ये कम से कम मेरे जैसे आदमी को उचित नहीं लगता। जब किछा पर 45 किलोमीटर बन रहा है, एम्स बन रहा है, तो ये नज़दीक नज़दीक घर घर में एम्स खोले, इसकी कोई मुझे आवश्यकता नहीं दिखती। बरेली में फूड पार्क और ये आईटी पार्क का कब स्टार्ट हो रहा है पीछे सर? फूड पार्क पर कार्य चल रहा है, वहाँ पर इंडस्ट्रीज आ गई हैं, लगना शुरू हो गया है, और आज मेरे को चैम्बर ऑफ कॉमर्स के लोग मिले थे और उनसे मेरी बातचीत हुई थी, और क्या क्या उसमें हो सकता है उनके साथ में, अभी मेरा फिर से बैठना होगा 2 दिन बाद, तब फिर उसके बाद। आप इकोनॉमी के गुरु रहे हैं, पढ़ाया है आपने इकोनॉमी लोगों को, अच्छी पढ़ाया है, तो हाँ, तो उनके साथ में सब में सामंजस्य बैठाते हुए और क्या क्या हो सकता है, इसको अलग अलग नहीं देखा जा सकता कि खेती अलग, उद्योग धंधा अलग, कोई और काम धंधे कारोबार हैं वो सब अलग 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 नहीं है, सब में समन्वय है, सबके समन्वय से ही देश का, क्षेत्र का विकास होता है, व्यक्ति का विकास होता है, परिवार का विकास होता है, समाज का विकास होता है। इसको अलग अलग करके विकास का कम से कम मेरी जो सोच है उसके हिसाब से मुझे तो नहीं जचता, सब में सामंजस्य बैठाना और सब एक दूसरे से रिलेटेड हैं और उनको कैसे और अच्छी समाज को उनसे जो प्रोडक्ट तैयार हो रहे हैं उनको और गुणवत्तापूर्ण होते हुए कैसी समाज का भला हो, उसमें मेरी प्राथमिकता है। और उसके बारे में अब जरा बैठना उठना हुआ है तो उसमें और क्या किया जा सकता है उसका मैं उनके सबसे बीच में बैठ कर जरा खुद में भी अध्ययन कर रहा हूँ, अपनी योग्यता बढ़ा रहा हूँ, और उसके लिए और क्या क्या कहाँ कहाँ किस किस स्तर पर सहयोग मेरी तरफ से हो सकता है और सरकार के माध्यम से कहाँ कहाँ सहयोग लिया जा सकता है उसको मैं प्रयास करूँगा। आपका आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं आज इंडिया की तरफ से, आप आराम से नए नए नवनिर्वाचित हुए तो आपसे चर्चाएं जारी रहेंगी, आपसे बात करते रहेंगे बरेली के विकास के बारे में समय समय पर, और हमारी बरेली की जनता की अपेक्षा रहेगी कि आप बहुत बढ़िया बरेली के लिए और विकास के काम करें। तो मैं आवाज़ इंडिया के लिए कुणाल श्रीवास्तव के साथ आवाज़ इंडिया के लिए, मैं बरेली से अमित वर्मा।